तो आज पांडे जी कर रहे सफाई, ये देखिए बेचारे की ड्यूटी लग गई है। वाह 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 वाह, कुछ भी कैसा फील हो रहा है? गंदगी फील हो रहा है बहुत ज्यादा, डस्ट, गंदगी बहुत सफाई, गंदगी बहुत। चश्मा लगा के साफ कर रहे हैं बेचारे, उसको पोंछ दीजिएगा मेरे सूर्य को, वो एक कपड़ा दे देंगे साफ कर दिए, उसमें बहुत गंदगी रहती है ऊपर वाले पे। क्या हुआ था ये गाना जब कुमार सानू गाया था दिल्ली में? तो कुमार सानू जब गाया था तो लड़कियां दुपट्टा बिछा देती थी। कौन सा गाना था? मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा, बाय 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 बाय। अरे दिल्ली का ऑडिटोरियम में कुमार सानू की पाली ना है जिसमें ये गाना था। हाँ। मैं तुझे, तो क्या हुआ था, लड़कियां क्या की? लड़कियां दुपट्टा बिछा देती थी और सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगी मैं। अच्छा ये भी बात, सोचेंगे तुम्हें प्यार करती नहीं। बोल तो तुम नहीं बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। हाँ क्या गाना था, मिट्टी का फोन आ रहा है, एक मिनट। आप पांडे जी इस रूम में आ गए, आज है संडे और अभी मैं नहा ही नहीं हूँ इधर। मैं अभी मेथी मैंने छौंक दी है और यहाँ पे थोड़े से चने बनाए हैं, तो किसी से देखे ब्रेड मंगाया है यहाँ पे, और ये ब्रेड मैंने मंगाया था मल्टीग्रेन मिला कि नहीं, तो ये आटा ब्रेड लेकर के आया है। तो आज तो पहली बार टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। और बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, इधर मेड भी आ गई है और पूरा किचन जो है थोड़ा बहुत फैला हुआ भी है, बट ठीक है ओवरऑल। ये पांडे जी पता नहीं क्या लाए थे स्टैंड, तो इसमें इस तरह से बर्तन लगा दिया। ये लो अभी मेथी डाली थी तो पूरा कढ़ाई भरा था, यानी कि मेथी बहुत ताजी है, बिल्कुल अच्छे से गल गई है अच्छे से। आ गए एक जन बाल कटवा, बाबू ये कौन सा डिजाइन कटवाया हो? क्या दिक्कत है? जरा इधर घूमो तो, इधर घूमोगे कृषि तुम, हम तुमको बताए तुमको चुहेड़ा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही गंदे लग रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कृषि साइड से बहुत ही गंदा लग रहा है। क्यों वैसे ही होता है, साइड से क्या गंदा लग रहा है, क्या गंदा लग रहा है, इतने अच्छे तो लग रहे हैं। मुझे बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ही गंदे लग रहे हो। अरे मम्मी बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हो, कुछ पसंद ही नहीं, कुछ भी कटवा ले, कुछ पसंद नहीं आता मुझे। इसके पहले जैसे कटवाते थे वैसे क्यों नहीं कटवाए हो? नहीं तो कुछ चेंज लाना चाहिए, हर टाइम चेंज नहीं कटवाना। नहीं बेटा इतना नहीं चेंज लाने की जरूरत है। आज काम तो बहुत सारा हुआ, बहुत सारी सफाई हो गई और पर्दे वर्दे हटने की वजह से ना घर अजीब लग रहा है, सफाई करने के बाद भी गंदा लग रहा है। जब तक ये सब चीजें दोबारा से लग नहीं जाती तब तक अच्छा नहीं लगता। और मुझे आज कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, तो मैंने आज बस ना वो चना भूना था सुबह, जो प्याज में डाल के भीगा चना बनाया था वो थोड़ा सा खाया है। और अब बज रहे हैं करीब 4:30, 4:30, तो अभी को मेरा मन हुआ है, तो ये मैंने जो ब्रेड मंगाई थी आटे वाली उसमें ही वो सलाद जो कटा था, मतलब लंच तो बना ही था तो लंच में जो सलाद मैंने काटी थी वो ही सलाद इसमें लगा ली है, और मेथी की सब्जी का आलू इसमें डाली। मन नहीं कर रहा खाना खाने का, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा दूध ले लिया है क्योंकि दो बार मेरी चाय हो चुकी है, दो बार चाय मैंने पी ली है, तो अब इसके साथ फिर चाय बनाती तो नुकसान ही करेगा, तो इसलिए मैंने ये ब्रेड, मेरी ब्रेड बहुत अच्छी बनी है क्योंकि ना मैंने मूली और वो गाजर को थोड़ा सा ऐसे घिस दिया था, मैं हरी मिर्ची डाली थी उसी में, वो आलू मिक्स कर दिया मेथी वाला और सैंडविच की तरह से बन गया, तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे अजीब सा हो रहा है, जैसे मुझे याद आ रही किसी की, एक्चुअली मुझे मीठी की याद आ रही बहुत ज़्यादा। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे उसकी याद आ रही है।
डिनर बना रही हूँ गाइस, और डिनर में बन रहा है सत्तू का पराठा और टमाटर प्याज वाला कचुम्बर। टमाटर प्याज वाला कचुम्बर खाओगे? यस। और ये देखिए, ये है पूरी प्रिपरेशन। यहाँ धनिया कट कर लिया, हरी मिर्ची और प्याज अदरक, एंड यहाँ पे ये कचुम्बर का सामान है, तो थोड़ा सा धनिया इसमें जाएगा और बाकी का धनिया सत्तू जब रेडी करूँगी उसमें जाएगा, और ये हरी मिर्ची इसके अंदर कचुम्बर में, बाकी सारा सत्तू में जाएगा। ये वाला जो कचुम्बर मैं बनाती हूँ अगर सत्तू के पराठे के साथ, तो इसमें तीखा खट्टा मीठा सबका बैलेंस होता है, तो इसमें है प्याज टमाटर हरी मिर्ची धनिया की पत्ती, और थोड़ा सा मैं नींबू भी इसमें डालती हूँ, थोड़ा मैं डाल चुकी थी, एंड नॉर्मल सॉल्ट के साथ साथ ब्लैक सॉल्ट भी इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा, बस केवल फ्लेवर के लिए। आलू के पराठे और सत्तू के पराठे के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है, आप कभी भी ट्राई कीजिएगा। गुड़ डालती हूँ उसके अंदर थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए, ज़्यादा मीठा नहीं थोड़ा, तो तीखा खट्टा मीठा नमक सबका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। रेडी करते हैं सत्तू अपना, तो सत्तू ले लिया है मैंने, मुझे जितना बनाना है, ये मेरा बहुत सारा दिख रहा होगा लेकिन मैं ना ऑयल से ही गीला करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कम पड़ गया। तो सबसे पहले इसमें मैंने ऐड कर दिया अपना सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा सा रहेगा ठीक ठाक, और थोड़ा सा डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट ये फ्लेवर के लिए बस। पहले तो नींबू मैं डाल दे रही हूँ इसमें, तो नींबू के बीज निकाल देती हूँ। ये जाएगा अब मेन इंग्रेडिएंट, मिर्चे का अचार, ये तो जाता ही है, और ये गया प्याज, ये ली है मैंने अदरक, और ये है हमारा लहसुन बारीक, बहुत बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, मजा ही आ जाएगा ना ठंड के मौसम में। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये मेरा सरसों का तेल, ढेर सारा सरसों का तेल मैं डालती हूँ उसमें, आप भी ट्राई कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब कुछ डाल दिया, अब इसको मिक्स करूँगी, और जो मिर्चा है उसको मैश करके, मेरा हाथ जल रहा है। ये बने और मैं ट्राई ना करूं पहले, तो पहले मैं ट्राई करके बताता हूं आपको। और नींबू डाली हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा इतना सारा मैं क्यों, क्योंकि टेस्टिंग सब करेंगे, कोई बाकी नहीं, ऐसे बनाती रहती हूं ना, आके सब टेस्ट करेंगे इसको, ऐसे सबको खाना रहता है, टेस्टी लगता है। अभी उधर जाऊंगी ना, तो इसके पापा बोलेंगे कि टेस्ट नहीं कराई, ले आओ टेस्ट कराओ, तो इसी टेस्टिंग में खत्म हो जाता है, इसलिए मैं बहुत सारा बनाई हुई है। तो ये मेरा रेडी हो गया है सत्तू, और इसमें मुझे थोड़ा सा अब अजवाइन डालना है, अजवाइन नहीं डाला मैंने, तो थोड़ा सा डालूंगी, हाथ गंदे हाथ से छूना पड़ रहा है बस जरा सा, वैसे तो मिर्ची के चार में था लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये रेडी हो गया, क्या बताऊँ इसकी, पूरी बनाऊँ कि पराठा? पराठा हाँ, जो घंटों घंटों तावा पे सेकने का काम होगा ना वही करवाएंगे सर, सब बोल रहे हैं पराठा बनाओ, कोई नहीं करा हाँ पूरी बना दो, वो इजी रहता है। ये ले जाओ, पापा को दे के आ जाओ। ओके। और अचार अचार कुछ चाहिए होगा तो पापा से पूछ लेना, तो सही है। सो गाइस, ये पराठे सत्तू वाले और ये टेस्टी वाला कचुम्बर, तो बस अब डिनर सबको करा दो पहले, उसके बाद हम लोग खाएंगे तो बताएंगे कैसा बना था। ले जाओ। कृषि खाने लगा, बताओ गर्म है बहुत ज्यादा क्या, टेस्ट बताओ कैसा लग रहा है? टेस्टी बना है, अच्छा लग रहा है ना, सही बताना, सही बता रहा हूँ। चलो, चूल्हा वूल्हा क्लीन कर लिया है, क्लीन हो गया मस्त, मैंने ले लिया अपना डिनर, और ये रख दे रही हूँ, कृषि का बनेगा सुबह ब्रेकफास्ट, इसी से कृषि का टिफिन बनेगा। तो सब लोग खा चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ खाने, वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए, बाय बाय।